हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। फिर इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। और यार, सबसे पहले इस्लाइब गरीब के रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से नदीम मुबारक और उनकी गाड़ी वाला जो टिकटॉक पे सीन काफी ज्यादा चल रहा है, जिसके रिलेटेड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, तो उसी के रिलेटेड इस्लाइब गरीब ने अपने टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर की थी, जो कि इस्लाइब गरीब के मुताबिक नदीम मुबारक की तरफ से रिपोर्ट करवाई गई और वो वीडियो रिमूव हो गई। और उनकी वो वीडियो रिमूव होने के बाद इस्लाइब गरीब कुछ ये कहते हैं। छोटी सी अपडेट ये है कि नानी वाले के ऊपर मैंने रात को एक वीडियो डाली टिकटॉक पे। हमने बाबा उसे ट्रोल की थी, जरा कमेंट से भी मेंशन उनशन किया हुआ हमने उसको। उन्हें वीडियो देखी सवेरे उठ के, तो उन्हें किराई रिपोर्टिंग हरेसमेंट एंड बुलिंग, तो वीडियो हो गई रिमूव। जो है ना वीडियो ले आए वापिस, उन्होंने रीस्टोर कर दिया। हूँ वीडियो होर वायरल होनी है, तो नानी वाले नोर चूत फिरना जे, तो हूँ एक दो वीडियो और आए गए थे। और यार, इनकी जो वीडियो रिमूव हुई थी, आप लोग वो भी देख लें। मेरी डिक्की भी कैसे भरी पड़ी है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा। जी ओए, क्या ही बात आने तेरी डिक्की दिया। पहले जिन्ना सीला मौसम होया, वाम दा कोई काम धंधा करने दा दिल नहीं पै करदा। तू उन्हां नूं आरे लाए है, मेरी गाड़ी का नंबर गैस करो, मैं पैसे दूंगा, आईफोन दूंगा। गाड़ी का नंबर तो पता नहीं, मेरी गुच्ची 10 नंबर ही, सुबह दोपहर शाम मार मार मैं तेरा तालू सजा रहना है। प्रटेंड कोई बनाना नहीं, खच्ची मारनी हर टाइम। फिर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो यार, हमारी जो अगली न्यूज है वो एक इंडियन एक्टर आयुष्मान खुराना के रिलेटेड है। तो आयुष्मान खुराना की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल चल रही है, जिसमें वो पाकिस्तानी सॉन्ग दिल दिल पाकिस्तान गा रहे होते हैं। और यार, जैसा कि आप सबको बताइए कि वो इंडियन है, तो इस वजह से उनको काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। फिर इसके अलावा बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, सऊदी अरब के रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो काफी ज्यादा ऐसी न्यूज वगैरह निकल के आ रही है, जिसके मुताबिक तकरीबन 72 ईयर्स के बाद सऊदी अरब में जो अल्कोहल है उससे बैन हटाया जा रहा है, यानी कि सऊदी अरब में जो शराब है वो अब से होगी। और यार, इसी के ऊपर काफी ज्यादा रिएक्शंस भी निकल के सामने आए हैं। जैसे कि बिलाल कुरैशी लिखते हैं, आई वाज बोर्न एंड राइज इन सऊदी अरेबिया, आई कैन नेवर इमेजिन इट गोना हैपन देयर। अहमद अली बट लिखते हैं, द एंड इज नियर। और यार, मिशी खान जो है वो उसके रिलेटेड बात करते हुए वीडियो शेयर करती हैं। हैरत की बात है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पे और वहां पे मक्का में गैर मुस्लिमों का आना बिल्कुल मना है, और वहां पे ये स्मृति ईरानी और ये इंडिया के जो हिंदू हैं उनका डेलीगेशन जो है वहाँ पे क्या देखने के लिए आए हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आता है वहाँ पे, ये जो आपके टूरिस्ट हैं आधी आधी निकलों में चप्पलों के साथ, ये वहाँ पे क्या कर रहे थे और क्यों नहीं वहाँ पे लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई कि उनकी जरूरत के उन्होंने चप्पलों के साथ और जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, आप किसी की सेक्रेड होली जगह पे इस तरह के क्या यहाँ कोई शॉपिंग मॉल था उस पे, तो गुस्से से मेरा बिल्कुल बदल। और अब जी सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जी वहां पे अब शराब और जो अल्कोहल की शॉप है वो खोलने का ऐलान कर दिया। इनको शर्म नहीं आती है, इनकी गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती कि पहले इन्होंने कैसीनो खोले, फिर हैलोवीन मना रहे हैं, उसके बाद वहां पे म्यूजिक चल रहे हैं, वहां पे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। मतलब ये तो बिल्कुल वही है कि 1400 साल पहले जो वहां के हालात थे बिल्कुल वैसे हो गए। और ये क्यों ऐसे हो रहा है, इनका क्या एजेंडा है इसके पीछे, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? कि बिल्कुल सही बात है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उन्होंने बताया हुआ है जो निशानियां, उनमें से ये है कि दुनिया बस अब आखिरत की तरफ हम जा रहे हैं। तो अभी सारे सीन के ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। बगैर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो दानियाल शेख के रिलेटेड है। तो रिसेंटली दानियाल शेख ने सिंध गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट होते हुए एक वीडियो शेयर की, और वो सिंध गवर्नमेंट से डिसअपॉइंटेड क्यों होते हैं आप लोग खुद देख लें। अब बात दरअसल ये है कि ये हमारे घर के सामने का दरख्त था, ठीक है। अब केएमसी वालों को पता नहीं किसने कंप्लेन की और इन्होंने आधा दरख्त काट दिया। यार आधा दरख्त, किसी और की कंप्लेन पर आधा दरख्त कैसे काट सकते हैं आप? यार दिस इज सो सैड। शहर में दरख्त है नहीं, ये लोग दरख्त लगाते नहीं हैं, सालों लग जाते हैं इसको उगाने में और इन्होंने आधा दरख्त काट दिया। दिस इज सो सैड। क्या करें यार, सालों लग जाते हैं यार इसको उगाने में। आई एम सो सैड अबाउट दिस। और यार, बात अगर डिसअपॉइंटमेंट वगैरह के रिलेटेड चली रही है, तो रिसेंटली अजलान शाह ने भी एक वीडियो शेयर की, जिसमें किसी जलसे वगैरह में असली शेर को लाया हुआ होता है, और उसी चीज से डिसअपॉइंट होते हुए अजलान शाह लिखते हैं, खुदा का वास्ता जहालत करना बंद करो। फिर यार, इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जगली न्यूज है वो आयशो स्पीड और बाबर आजम के रिलेटेड है। तो रिसेंटली आयशो स्पीड को किसी ने उनके डिस्कॉर्ड पर एक वीडियो शेयर की, जो कि ग्लो अप के रिलेटेड वीडियो होती है, यानी कि पहले बचपन की तस्वीर दिखाई जाती है, उसके बाद उसकी जवानी की। तो आयशो स्पीड जो है वो रैंडमली बाबर आजम की ऐसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर देते हैं, जिसमें पहले तो बाबर आजम की कई ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन एट दी एंड कुछ दिनों बाद जब उन्हें सारे सीन की बैक स्टोरी पता चलती है और जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने बाबर आजम की तारीफ कर दी है, तो उसके बाद उनका कुछ अलग ही रिएक्शन निकल के सामने आता है, जैसे कि बिफोर और आफ्टर वाला सीन आप लोग ये देख लें। Good though, bro.
तो इस चीज से पता चल रहा कि आईसो स्पीड जो है वो इंडियन फैंस की अट्रैक्शन लेना चाहता है बाबर आजम को हेट देकर। बगैर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो शुएब मलिक के रिलेटेड है। तो पिछले कुछ दिनों से तो शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के डाइवोर्स वाला सीन चल रहा था, लेकिन आज के दिन में कुछ ऐसी न्यूज वगैरह निकल के आ रही है जिसके मुताबिक शुएब मलिक का जो बीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। और यह टर्मिनेट करने का रीजन ये है कि कुछ दिनों पहले शुएब मलिक ने एक ही ओवर में लगातार 3 नो बॉल्स करवाई थी, जिसके बाद ये सारा सीन लग रहा है कि शुएब मलिक जो है वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे और इस वजह से उन्हें बीपीएल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म करना पड़ा। तो वो मैच फिक्सिंग में पक्का शामिल थे या नहीं इसके रिलेटेड कंफर्मेशन आना बाकी है। तो जैसे इनके ऊपर ये एलिगेशन वगैरह जो है वो कंफर्म होती है या मजीद कुछ डिटेल आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो अर्शद रील्स के रिलेटेड है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्शद रील्स की जो वीडियोस वगैरह चल रही हैं, इसके ऊपर खाकान शाहनवाज का रिप्लाई आया था कि पाकिस्तानी क्रिएटर्स वगैरह जो है वो एक्सप्लोइट कर रहे हैं अर्शद रील्स को। तो ये सारा सीन तो मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। तो अब यही चीज जो है वो काफी बड़े पेजेस वगैरह ने शेयर की, जिसके बाद अर्शद रील्स का इसके ऊपर रिप्लाई सामने आया और वो लिखते हैं, एवरीवन हियर लव फ्रॉम अर्शद रील्स फैमिली, एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज रिलैक्स करें, कोई क्या कर रहा क्या दे रहा नहीं दे रहा, हम ले रहे नहीं ले रहे, किसी को फेम चाहिए हमसे, किसी को हम फेम दे रहे हैं, हम कौन होते हैं फेम देने वाले, ओनली अल्लाह है क्या, आप लोग भूल गए, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, तो हम कौन होते हैं किसी को फेम देने वाले या लेने वाले। यानी कि खाकान की बात के ऊपर ये कुछ ऐसा लिखते हैं, जिसके बाद हमजा बट्टी उनके ऊपर लिखते हैं, अर्शद रील्स माइक ड्रो, हेटर्स दुआ की जूती चाटे, यानी कि वो काइंड ऑफ खाकान शाहनवाज को यही कहते हैं। और इसके अलावा शेख उमर सलीम इसके रिलेटेड लिखते हैं, हमने अर्शद रील्स को बुलाया, उनको अप्रिशिएट किया, उनको इज्जत दी क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, और कोलैबोरेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक्सप्लॉइट कर रहे। और ये सारा सीन जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर हुआ और कुछ लोग जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं नाम के कंसर्न पर, और वो मजीद लिखते हैं कि हल्की हो जाए। तो अब ये सारा सीन तो यहाँ पर चला, लेकिन इसके बाद खाकान शाहनवाज का मजीद रिप्लाई आता है, एक कंटेंट क्रिएटर को बड़ी आग लगी हुई है, ओ भाई स्टॉप मेकिंग एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ, वी ऑल नो हाउ मच यू लाइक टू ब्रेक, हर जगह फिक्स होने की जरूरत नहीं, आई वाज रेफरिंग टू पीपल हु इन्वॉल्व देयर कॉर्पोरेट ब्रांड, ब्रांड्स देता वर्थ हंड्रेड्स ऑफ मिलियन, मगर जितनी आपको मिर्चे लगी है चोर की दाढ़ी में तिंका तो नहीं गई। खाकान का फिर इस सारे सीन के बाद ये रिप्लाई सामने आया, और यार इस सारे सीन के बाद आज सुबह अर्शद रील्स का इसके ऊपर रिप्लाई आया और वो लिखते हैं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सब सेलिब्रिटीज हैं, आपका आपस में रिलेशन हमारी वजह से ताल्लुक खराब ना हो, इसलिए कहा रिलैक्स एवरीवन, हम रिश्ते जोड़ने वाले खराब करने वाले नहीं, और वो सब क्रिएटर्स को अपना प्यार शेयर करते हैं। इस सारे सीन के ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कि खाकान शाहनवाज ठीक है या हमजा बट्टी और शेख उमर सलीम, और अर्शद रील के रिस्पॉन्स के ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, सबका सब कॉमेंट बॉक्स में लाजमी लिखे। बगैर अभी के लिए मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ इतनी न्यूज थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।